माय फ्रेंड वेलकम। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों मैं हूँ राहुल भामरे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले मैंने सड़क वाला और रेल परिवहन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो एयर ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर इसका समझ लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन मतलब वायु परिवहन की शुरुआत जब भारत में हुई थी तो 1911 में हुई थी। अब ये आपके पैसेंजर मोड पे ना होके ये आपके हुई थी कि डाक सेवा के रूप में हुई थी। तो अगर विश्व में आएगा, विश्व में पहले डाक सेवा कहाँ चालू हुई, तो भारत में चालू हुई इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है। इसका जो दूसरा वाला पॉइंट है, 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना हुई थी, ठीक है, जो कि निजी कंपनी थी जो प्राइवेट सेक्टर में थी, ठीक है। तो ऐसी दो तीन और कंपनी थी, तो साथ में इनका क्या कर दिया, इनका मर्जर कर दिया। इनका मर्जर मतलब इनको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रूवल मिल गया, ठीक है, मतलब इसका नेशनलाइजेशन हो गया। कब हुआ, 1933 के बाद 20 साल बाद इसका नेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो जो मेन जो मेजर जो कंपनियां थी बड़ी, एक क्या था नाम, भारतीय विमान निगम, ठीक है, और दूसरा था एयर इंडिया, ठीक है। अब जो 1981 में कंपनी बनी उसका नाम था वायुदूत, जो कि घरेलू उड़ान के लिए बनी थी। अब देखो इसमें दो मेजर थिंग्स आती हैं, एक तो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा और जो दूसरा वाला आएगा आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट आएगा। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दूसरे देशों के लिए सेवाएं प्रदान करता है और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो हमारे आस पड़ोस के देश या फिर हमारे इंटरनल में एक सिटी से दूसरे सिटी की ओर या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर वो आपको सेवाएं देता है, ठीक है। तो 1981 में वायुदूत है वो घरेलू विमान था, उसका मर्जर कर दिया भारतीय विमान निगम में, ठीक। तो अब जो दोनों मेजर कंपनियां थी वो फाइनली जाके 24 अगस्त 2007 को नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी गई। कब, 24 अगस्त 2007 को। इसका जो ब्रांड नेम बना वो बना एयर इंडिया, ठीक है, क्या बना, एयर इंडिया। तो विमानपत्तनम प्राधिकरण, इसके बाद का पॉइंट है विमानपत्तनम प्राधिकरण मतलब इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। 1 अप्रैल 1955 इसका जो शुभारंभ हुआ था, 1 अप्रैल 1955। इसका जो मेन काम होता है भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का काम जो होता है वो टर्मिनलों का रखरखाव करना, मेंटेन करना, उसको बनाना, कि एयरपोर्ट को बनाना है तो ये कंपनी आगे आएगी, ठीक है। इसका मुख्यालय होता है नई दिल्ली में और इसका जो निगमित कार्यालय ज्यादा जो मोड होता है वो मुंबई से होता है, ठीक है। इसका शुभंकर मास्कोट होता है महाराजा और इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, उसके उड़ते हुए हंस के, ठीक है, जो नारंगी रंग बना होता है उस पर कोणार्क चिन्ह होता है, ठीक है। आप इमेज खोलना, ठीक है, हमारे जो वायुयान है उसकी, उसके पीछे देखना जो ऊपर का होता है ना एल्बो, उस पे आपको कोणार्क चक्र उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग में मिलेगा, ठीक है। तो हम हमारे जो मेजर एयरपोर्ट है, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें उसको हम अभी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो मैप की सहायता से हम देखते हैं कि कौन से हमारे सिटीज में कौन से हमारे एयरपोर्ट आते हैं, वो पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पहले ये हमारा एक राज्य था, अब यूटी हो गया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हो नाम से ही फेमस है शेख अल आलम, ठीक है, ये आपका कश्मीर में आएगा शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब आप देखोगे पंजाब में, तो पंजाब में जो अमृतसर टेंपल है गोल्डन टेंपल, उसके जो नींव रखी थी गुरु रामदास जी ने पर रखी थी, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है गुरु रामदास, ठीक है, अमृतसर में पंजाब में आपको मिलेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको राजस्थान में मिलेगा जयपुर, जयपुर नाम से आएगा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, आपको याद हो गया होगा इजीली। अब गुजरात में, तो गुजरात में अभी हाल ही में मतलब एक दो साल पहले की बात है या फिर जब भी आपको उसकी डेट बताओ तो अच्छी बात है। तो गुजरात में आपको सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मिलेगी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जी हाँ, तो उसे याद आप रख सकते हो। गुजरात में क्या मिलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कहाँ पे मिलेगा, अहमदाबाद में, ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपको अहमदाबाद में मिलेगा, और नाम क्या है उसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी हाँ दोस्तों। दोस्तों मुंबई में, मुंबई में आपको मिलेगा मुंबई सीएसटी छत्रपति शिवाजी, या फिर सीधा मुंबई एयरपोर्ट के नाम से भी आप उसे जान सकते हो, ठीक है। और दोस्तों नागपुर में आपको पता है डॉक्टर बाबा साहेब
जिनकी समाधि स्थल नागपुर है और उनका जन्म स्थल मऊ है, तो उसी के नाम से तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो इनका जो नागपुर में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों पुणे में जो तो नया बना है वो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से आ जाएगा, ठीक है। गोवा में मिलेगा आपको दाबोलिम, क्या नाम मिलेगा? दाबोलिम, गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाबोलिम, ठीक है। फिर जो कर्नाटक है वहां आपको दो मिलेंगे, एक तो आपको बेंगलोर में मिलेगा कैंपेगौड़ा नाम से, बेंगलोर में मिलेगा आपको कैंपेगौड़ा, ये कहाँ आता? कर्नाटक में आता। सेम चीज आपको उसी के पास में मिलेगा एक और मैंगलोर सिटी, तो मैंगलोर में मैंगलोर के ही नाम से आपको वहां पे एयरपोर्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर कोची में तो केरल, केरल का जो सिटी है एक कोची, तो वहां आपको मिलेगा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तमिलनाडु में आपको दो मिलेंगे, एक तो चेन्नई जिसे हम कहते हैं अन्ना, अन्ना लोग कहाँ होते? ज्यादा चेन्नई में होते, तो चेन्नई को क्या बोलेंगे? अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। एक और मिलेगा आपको कोयम्बटूर, तो कोयम्बटूर सिटी में आपको डायरेक्ट मिलेगा कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हमको आंध्र प्रदेश में मिलेगा विशाखापट्टनम, बहुत बड़ी सिटी है दोस्तों, जो पोर्ट है वो विशाखापट्टनम के भी नाम से है, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा वो भी हमारा विशाखापट्टनम के नाम से है, ठीक है। फिर तेलंगाना, जब से हमारा तेलंगाना अलग हुआ है तो हैदराबाद का हिस्सा हमारा तेलंगाना में आ गया है, तो नीचे जो मिलेगा हैदराबाद में आपको राजीव गांधी मिलेगा, और जो दिल्ली में मिलेगा वो सबसे द ग्रेट लीडर उस समय में इंदिरा गांधी, ठीक है। तो आपको दिल्ली में इंदिरा गांधी और नीचे जो हैदराबाद है वहां आपको मिलेगा राजीव गांधी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपको मिलेगा बीजू पटनायक करके, बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। उसके ऊपर आप जाओगे थोड़ा सा तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको कोलकाता, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। दोस्तों थोड़ा आप और आओगे तो आपको बिहार में मिलेगा पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पटना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, तो जो पटना में मिलेगा आपको जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उसको पटना नाम से भी आप जान सकते हो। आप थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको असम में मिलेगा गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी वहां की सिटी है, वहां का जो नाम है वो है गोपीनाथ बारडोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या नाम है? गोपीनाथ बारडोले इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब आप थोड़ा इस साइड आओगे तो आपको यूपी में मिलेगा, देखो वाराणसी में धार्मिक लोग थे, तो धार्मिक लोग का नाम शास्त्री हो सकता है, तो शास्त्री क्या हो जाएगा, ठीक है, यूपी में लाल बहादुर शास्त्री करके हो जाएगा, ठीक है। तो लाल लाल बहादुर शास्त्री आपका क्या आएगा? यूपी में आ जाएगा, ठीक है। फिर लखनऊ में क्या आएगा? लखनऊ में आपका आएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और सबसे लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पे आपका आएगा वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो को रिवाइंड करना, अच्छे से फिर से देखना, आई थिंक आपको याद हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।